अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्पेगेटी इन मीट सॉस की, और वो भी वन पॉट में। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले लूँगी ऑयल तकरीबन 3-4 टेबलस्पून, साथ में मैं डाल दूँगी तकरीबन ये 2 अनियन हैं मीडियम साइज़ के, चॉप हुए हुए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए पीस काटते हैं बारीक बारीक से, बिल्कुल इस तरह से। अगर आपके पास ये हैंड चॉपर नहीं है तो आप उसको बारीक बारीक काट लीजिए। कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 4-5 ये बड़ी वाली लहसुन की क्लोव्स ली है, उसको मैंने इस तरह से रफली उसको मैंने काट लिया है नाइफ से। चलिए मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। चार पाँच मिनट हो गए इसको, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये ग्राउंड बीफ है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने इसका वेट 1/2 kg है, kg बीफ में साथ मैं इसको थोड़ा सौते करूंगी, फिर मैं इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर दूंगी। चलिए कीमे का जो पानी था वो सारा सूख गया। मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि कीमा जो है वो भी गल जाए और जो टमाटर हैं वो भी इसके अंदर सही से डिजॉल्व हो जाए। चलते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए टमाटर जो है वो बिल्कुल डिजॉल्व हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये तकरीबन 1/2 कैरेट है और 1/2 शिमला मिर्च है, उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप उसको हाथ से कर लें। और ये कुछ मसाले हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मसालों में 1/2 teaspoon जो है वो पार्सले है, ड्राइड पार्सले, 1/2 teaspoon जो है वो क्यूमन पाउडर है, 1 teaspoon जो है ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब यूज़ कर लीजिए, और 1 teaspoon जो है ये काली मिर्च का पाउडर है, नमक हसबे ज़ायका, और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 1 teaspoon लिया। अच्छा, अब ये मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिएगा, मतलब 4 टमाटर लें आप, उसको पीस लें। तो जैसे मैंने शुरू में 2 टमाटर डाले थे तो आप 4 टमाटर डाल दीजिए, और टोमेटो केचप जो है फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। ये टोमेटो पेस्ट ले रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून, और साथ ही मैं डालूँगी ये 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप।
अच्छा देखें, अब मैं ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि हमारी जो स्पेगेटी है वो उसके अंदर डिप हो जाए। पानी मेरा जितना यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगी, और नमक वगैरह इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा। नमक अगर मिर्च वगैरह बढ़ाना चाहें स्पेगेटी में लूंगी 600 ग्राम। सिक्स हंड्रेड ग्राम स्पेगेटी के अंदर मैंने टोटल पानी जो है वो 1.5 लीटर यूज़ किया था। तो आप भी एकदम से सारा मत डाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप फिर उसमें और पानी ऐड कर लीजिएगा। नमक जो कम लग रहा है मैं ऐड करूंगी नमक। अब मैं इसको ढक के 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसको दरमियानी आंच पे छोड़ दूंगी। तो 25 से 30 मिनट्स हो गए, अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखिए, और स्पेगेटी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप अगेन बता रही हूँ कि सॉल्ट पेपर अपने हिसाब से रखिएगा, चाहे तो थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लें। तो इसको कर लिया है मैंने डिश आउट, अब हम इसको एंजॉय करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ मैंने स्प्रिंकल की है, और स्प्रिंग अनियन ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।